हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए, ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। कोई प्लेन है, वो किसी कारण से 30 मिनट लेट टेक ऑफ हुआ है और अपनी डेस्टिनेशन, जो उसकी डेस्टिनेशन है 1500 किलोमीटर दूर है, वहाँ टाइम पर पहुँचने के लिए जो यूजुअल स्पीड है उससे 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। तो हमें बताना है कि उस प्लेन की जो यूजुअल स्पीड है वो कितनी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद जो यूजुअल स्पीड है जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको वेरिएबल के तौर पर ले लेते हैं। लेट यूजुअल स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर। और जब स्पीड 100 किलोमीटर इंक्रीज की है तो बाद में जो स्पीड है वो क्या है, सो इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज करने के बाद जो स्पीड है वो आपके पास x प्लस 100 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो कंडीशन दे रखी है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में पुट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब यहाँ पर हमारे पास टाइमिंग गिवन है 30 मिनट्स का जो डिफरेंस है। टू केसेज में हमारे पास स्पीड है, स्पीड टू है, और उन दोनों स्पीड से इस डिस्टेंस को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास टाइम्स आएंगे और उन दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है। तो जब हम यहाँ पर डिस्टेंस को पुट करते हैं, दो जगह हमने डिस्टेंस को पुट कर लिया। ठीक है, अगर वो एक्स की स्पीड पर चले और दूसरा केस है x प्लस 100 की स्पीड पर चले, तो दोनों केसेस में जो फ्लाइट का टाइम है, फ्लाइंग टाइम है, वो दोनों केसेस में अलग अलग है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 30 मिनट्स गिवन है और उस 30 मिनट्स को हम आर में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड अपने पास किलोमीटर पर आर है, जो यूनिट है वहाँ पर आर है, तो उस टाइम को भी हमें आर में पुट करना है। अब ज़्यादा समय में से कम समय को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो डिफरेंस आएगा। अब ज़्यादा टाइम लगेगा इस स्पीड पर क्योंकि ये स्पीड तेज है, इस स्पीड पर कम टाइम लगेगा, तो 1500 अपॉन एक्स और दिस अपॉन एक्स प्लस 100। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम है, ये डिस्टेंस ये स्पीड ये भी टाइम है। अब इन दोनों टाइम्स में जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स है, यानी अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये अपने पास 30 मिनट्स यानी 1/2 आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन सेट हो गई। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 1500 दोनों टर्म्स में है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 1500 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, नाउ एलसीएम एक्स इंटू एक्स प्लस 100, ऊपर आएगा अपने पास एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 और इस 1500 को ट्रांसपोज कर दो, इधर नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, अब इक्वेशन पुट होने के बाद सिंप्लीफाई करना, इक्वेशन को सोल्व करने का वही प्रोसेस होता है जो हम फैक्टराइज करके करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं x माइनस एक्स कट 100 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 100x इक्वल टू 1 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 2 0। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 100x इक्वल टू 3 फॉलोड बाई 5 जीरोज। ओके, अब इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 100x माइनस 3 फॉलोड बाई 5 जीरोज इक्वल टू 0। ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई चाहिए नेगेटिव और बीच में है 100 पॉजिटिव टर्म है, तो एक पीस इसका पॉजिटिव आएगा और एक इसका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर 500 एंड 600 अपने पास इसके फैक्टर बन जाएंगी, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 फॉलोड बाई 5 जीरोज इक्वल टू
जीरो, एक्स कॉमन इंटू एक्स प्लस 600 माइनस 500 कॉमन इंटू एक्स प्लस 600 इक्वल टू जीरो। आगे यहां लिख लेते हैं, एक्स प्लस 600 एंड एक्स माइनस 500 इक्वल टू जीरो, ये फैक्टराइज हो गया अपने पास। तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, या तो x प्लस 600 जीरो है और या फिर x माइनस 500 जीरो है। अगर ये है तो x इक्वल टू माइनस 600 आ रहा है और इससे x इक्वल टू 500 आ रहा है। जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो प्लेन की यूजुअल स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आर आ गई, और यही इस सवाल का आंसर है। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो सीखना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है उनके पास आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।